इसका मतलब ये है कि विरोधी लोग जान गए होंगे आज कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति बहन जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही है। और केवल आपको मतदान करना है, वो भी पूरी सावधानी के साथ। मतदान के समय पर पूरी सावधानी, बस अब डॉक्टर ज्योति बहन जी को सर्टिफिकेट लेना है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को इतनी बार नहीं आना पड़ता अगर उन्होंने पिछले 7 साल में कुछ काम किया होता। अभी दिल्ली की सरकार का हिसाब किताब नहीं जोड़ा है मैंने, उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली वालों की सरकार बताओ कितने सालों से चल रही है, और उसके बावजूद भी पूरी सरकार लगी हुई है यहाँ पर। न केवल सरकार लगी हुई है, जब उन्हें पता लग गया कि जनता उनका साथ नहीं दे रही है तो उन्होंने अधिकारियों को आगे कर दिया, कर्मचारियों को आगे कर दिया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मनी मन ये जानते भी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है यहाँ पर। और तब वैसे तो कुछ चीजें बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं, कभी कभी कारण नहीं पता लगता है कि क्यों लोकप्रिय हो रही है चीजें। लेकिन इधर आपकी विधानसभा की कुछ चीजें, कुछ घटना बड़ी लोकप्रिय हो गई। मुझे पता नहीं था कि यह मटन युद्ध भी हुआ है, ये इतिहास में दर्ज हो गया मटन युद्ध। ये जो मटन युद्ध हुआ है, ये जो खींचा तानी मची है, ये तो आपको देखने को मिली, वरना दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले से टकरा रहे थे, टक्कर मार रहे थे। न केवल सरकार के इंजन टकरा रहे थे बल्कि एक एक नारे भी अब टकरा रहे हैं, नारों में भी एक दूसरे लोग टकरा रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो समाजवादियों से डरे हुए हैं, और डरे न होते तो कभी एक संत की कोई ऐसी भाषा होती है। हमारे यहाँ और आपके यहाँ सब जगह परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है, वो कम बोलता है और मौन रहता है। इसीलिए हमारे आपके यहाँ मौनी बाबा मौनी परंपरा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को तो कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ में आता है। क्या नारा दे रहे थे वो, कटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये क्या उन्होंने कह दिया, हम लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये जो एनडीए वाले लोग हैं, ये एनडीए वाले लोग नकारात्मक हैं, ये निगेटिव लोग हैं, और इनकी जो एनडीए की शुरुआत होती वो नकारात्मक शुरुआत है। एन मतलब नकारात्मक, और ये नकारात्मक केवल हमारे आपके लिए नहीं है, चला जाओ, ये नकारात्मक लोग हैं हमारे दलित भाइयों के लिए, ये नकारात्मक लोग हैं हमारे
पिछड़ों के लिए है, ये नकारात्मक है आदिवासियों के लिए, ये नकारात्मक है हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, और इनकी नकारात्मक सोच है हमारी आधी आबादी के लिए भी। ये एनडीए के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारात्मक लोग हैं, और सोचिए क्या फुल फॉर्म निकाला हमारे मुख्यमंत्री ने। पीडीए का फुल फॉर्म कुछ निकाला था किसी भी सभा में, मुझे ये समझ में नहीं आया कि एच कहां से आ गया, पावर हाउस कहां से बन गया पीडीए। और सोचिए पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। जो डीएपी है, जो डीएपी है वो भी इन्हें पीडीए नजर आ रहा है। सोचो इतने घबराए हुए हैं, और अगर ये जनता का जो समर्थन जान जाएंगे वो देख लेंगे, अपने आप हिलते हुए नजर आएंगे। अब ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पिछले चुनाव में मैं आपके बीच में आया था तो मैं कह रहा था कि बोरी में से चोरी हो रही है, लेकिन हमारे किसान भाई जानते होंगे, गरीब जानते होंगे, अब तो डीएपी की पूरी की पूरी बोरी चोरी हो गई। कहीं डीएपी मिल रही हो किसानों को तो बताओ, जब किसान को जरूरत है अपने खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उस समय ये सरकार डीएपी को अपनी व्यापारी खाद उपलब्ध करा, आय दोगुनी की बात की, धान की कीमत नहीं दिला पा रही, अगली फसल जो आएगी उसकी तैयारी नहीं की सरकार ने, खरीदे और क्या कहते हैं कि हम $1 trillion इकॉनमी बनाएंगे। हमारे मिर्जापुर के साथियों, ये $1 trillion इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं जिसको आपको समझ में नहीं आया, ये $1 trillion कोई नहीं समझता कि $1 trillion क्या है। इसीलिए वो कह रहे हम $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और क्या कहते हैं कि कानून व्यवस्था के सवाल पर हम जीरो टॉलरेंस है, हमारी जीरो टॉलरेंस है। इनकी जो जीरो टॉलरेंस है कानून व्यवस्था वो पूरी जीरो हो गई। पहले तो आपको पता होगा कि पुलिस चोर बदमाशों को पकड़ती थी, इधर आपने बनारस में देखा होगा पुलिस पुलिस को पकड़ रही है, एक बड़ा अधिकारी भेजा पड़ा तो पुलिस पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। और जब बनारस में पकड़े गए तो हम लोगों ने जब सवाल खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हम अपने फौजी पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो भी सीसीटीवी का कैमरे का खोज करके ले आया, दिखा दिया एक पुलिस के अधिकारी बड़ा बक्सा लेकर के जा रहे, हमने कार्रवाई करनी पड़ी। और सच्चाई तो ये है कि इतनी लूट कभी किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी सरकार में हो रही है। जब 100 नंबर बनाया